हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा हम लोग आप सब लोग जानते हो कि हम कमेंट्स देखते हैं, कमेंट्स में से भी कोई कमेंट उठा के उनके चार्ट बनाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो रूबी जी का आपका चार्ट बन चुका है, उसको भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा या अपलोड हो चुका होगा। अब ये देखिए विवान जी का चार्ट, इन्होंने रमावतार जी ने भेजा, ठीक है। आपका भी देखा जा रहा है क्योंकि आपका हमने एक चार्ट देखा, इसलिए थोड़ा सा डिले होगा, आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे, समझेंगे। सपना जी ने बहुत लंबे टाइम से कहा है और किशन तिवारी जी ने भी बहुत लंबे टाइम से कहा है। देखिए कह भी रहे हैं कि बट समझा करिए, हाँ थोड़ा सा क्योंकि टाइम का इशू रहता है, बट हम जल्दी से जल्दी बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं। पहले निहारिका जी, आपका तो हमने बना दिया था, शादी कब होगी, ठीक है। चलिए वो भी आपके चार्ट को देख के हम बता देते हैं, ठीक है। अब आइए ज़रा हम लोग देख लेते हैं इनका कहाँ गया। सपना जी का डिटेल कहाँ है, सपना जी डिटेल लिखा करें, ठीक है। हाँ दिव्या विश्वास, इनका भी देखना है, ये भी कहे हुए हैं, बहुत पहले से कह दी हैं। दिव्या जी का देखना है, मानसी जी का भी देखना। मानसी जी अब कमेंट, चलिए आपका बहुत टाइम से हो गया, चलिए आपका ही पहले देख लेते हैं, ठीक है मानसी जी। और 22/2/1997, ओके चलिए इसको भी हम लोग करते हैं, 22/2/1997। तो ये मानसी जी का चार्ट हमने लिख दिया है, यवतमल महाराष्ट्र से है, मानसी जी का सरनेम नहीं लिखा हुआ, इसलिए मानसी जी हो गए। 22/1/1997 से है, 12/15 है, 22/1/1997 से है, 12/15 है। और शादी और जॉब के बारे में पूछ रही, ठीक है। चलिए इनके चार्ट को देखते हैं, स्टार्ट किया जाए, इनके भी चार्ट को देख लिया जाए। आप लोग सीखने की ज़रूर कोशिश करें क्योंकि ये चीज़ इनके में बहुत अच्छी है। मानसी जी क्वेश्चन पूछती हैं और प्लैनेट बेस्ड क्वेश्चन पूछती हैं, ऐसा नहीं कि बस अपना जानने के लिए है, सीख रहे हैं लोग। और वो हर लोग जो सीखने की कोशिश करते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरा काम ही यही है। नहीं तो अगर हमको 1 करोड़ जनता के हम चार्ट तो नहीं बना पाएंगे ना, है ना। हम चाह रहे हैं वो लोग सीख लें एक ही वीडियो से, और बाकी हम आप लोग को वीडियो अलग से डाल डाल के आपको सिखा भी रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली, आपने देखा होगा, हमने सबको राशि के बारे में बताया, अब प्लैनेट के बारे में बताएंगे, फिर भाव के बारे में बताएंगे, ऐसे चलेगा, ठीक है। उसको 2-3 बार देखिएगा राशि वाले को, ठीक है, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि हम नंबर्स बोलते हैं, नाम नहीं, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो मानसी जी का चार्ट है, 2 नंबर प्रेसअप, बहुत बढ़िया। टाइम के साथ फिजिक बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी, ठीक है, ये अच्छी बात होती है। 2 नंबर के साथ फिजिक स्ट्रांग होती है इनकी, ओके वृषभ है ना, ओके। आई बाबू आपका भी चार्ट एक्सप्लेन किया जाए। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन पे बनी है, शनि और केतु साथ में है। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जब लगन पे बनती है तो 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो होगी ही होगी, या तो तीनों ही हो जाए तो भी कोई बात नहीं। पहली चीज़ आपकी हाइट, दूसरी चीज कलर कॉम्प्लेक्स, तीसरी चीज हेयर। ये क्या हम बता रहे हैं कि एक हाइट आपके घर का जो औसत ऊंचाई होगी उससे आपकी ऊंचाई कम होगी, ठीक है। जो भी हाइट होगी आपके घर की औसत एवरेज, उससे कम होने के चांस होते हैं। कलर कॉम्प्लेक्स, एवरेज कलर जो भी होगा आपके घर का, ठीक है, उससे आप डार्कर हो सकते हैं। और यहाँ आ गया हेयर, हेयर में क्या होता है, बॉडी में हेयर ज़्यादा हो सकते हैं, आईब्रो जो होते हैं आपके वो मोटे हो सकते हैं, ठीक है, ये करवाते हैं, ठीक है, शनि करवाते हैं, क्योंकि शनि की प्रॉपर्टी है जो दिखाएंगे। हाइट भी पहले बता दिया, कलर कॉम्प्लेक्स बता दिया और हेयर बता दिया, और उसका जो नेचर में इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कन्फर्म पड़ेगा कि आप गलत नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन कोई एक गलत काम, असामाजिक काम आप कर देंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है ये, ठीक है, असामाजिक काम कर देंगे। दूसरी चीज़ फिर आते हैं, शनि केतु साथ में है, ठीक है। तो शनि केतु के साथ के होने की वजह से एक जो आपको असामाजिक काम इसलिए बोला ना कि वो चीज़ आप खुद भी नहीं रिमाइंड करना चाहते, याद नहीं करना चाहते और किसी को बताना भी नहीं चाहते, वो चीज़ ऐसी चीज़ें कुछ जो आपको नहीं पसंद आ रही, कुछ भी ऐसा असामाजिक चीज़ें हो जाती हैं, सोशली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 12वें घर में देखते हैं, शनि और केतु साथ में। शनि और केतु का साथ होने से एक जो बड़ी प्राइमरी प्रॉब्लम आती है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाते हैं, जो बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए वो भी बुरी लग जाती हैं, ठीक है। सोशल लाइफ में ही बना है,
तो अब एक चीज़ और ध्यान देंगे कि आपका डिसकनेक्ट होने का स्वभाव होगा, ठीक है, डिसकनेक्ट होने का स्वभाव होगा, अलग रहना सेपरेटिव टेंडेंसी, घर में एक अलग घर रूम लेने की वो का होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके में डालने की कोशिश करेंगे शनि, ठीक है। ये शनि की प्रवृत्ति है और सोशल लाइफ में बन रहा, तो डिटैचमेंट भी फील करवा सकते हैं, ज्ञान की तरफ भी ले जा सकते हैं केतु, डिटैच करके महाया से। अब ये अलग तरीके से डिटैच करते हैं, इनका डिटैचमेंट ऐसा है लोगों में कमियां खोज लेता है शनि, ठीक है, और तब ये डिटैच करवाते हैं, ठीक है, यार यार सब बेकार है, सब मतलब ही है, इसके में ये प्रॉब्लम, उसके में जैसे समझ रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ से आपको दिख रही होगी। इसी के साथ आपका और देख लिया जाए तो शुक्र का किसी के साथ होना नहीं ठीक होता है, शुक्र किसी पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ रहे तो बहुत अच्छा है, किसी कोई परेशान ना करें इसे, क्योंकि मैरिड लाइफ में फिर दिक्कत कर देते हैं ये, ठीक है। चंद्रमा का यहाँ भी ठीक होना है, यहाँ होना बहुत अच्छी बात मानी गई है आपकी मम्मी के लिए, ठीक है। मंगल राहु का साथ होना नहीं ठीक होता है, क्योंकि ये जिद्दी स्वभाव देता है, वो भी लव लाइफ में बन गया जिद, ठीक है। चलिए अब एक एक करके एक एक घर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहला 2 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर, इसका मतलब क्या है कि लव मैरिड लाइफ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 8 नंबर के स्वामी है मंगल, जो जाके कनेक्शन बन गया है वाइफ लव से, लव मैरिज के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, प्लस लव मैरिज में मंगल राहु है तो जिसे पसंद करेंगे जिद के मारे शादी कर लेंगे आप, ठीक है, जिद करके। ये कॉम्बिनेशन लव मैरिज के लिए होता है, जो कि आपके चांसेस हाई दिखा रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं एक एक घर के साथ आगे बढ़ते हैं, और ये आप बिजनेस का भी बता दें, या चलिए एक एक घर के साथ बढ़ते हैं। तो 2 नंबर लिखा है शुक्र, इसके स्वामी है, शुक्र आके कहाँ बैठे हुए, कर्म भाव में, कर्म प्रधान काम करेंगे, अब कर्म पे ही ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी बात होती है। सूर्य भी यहाँ बैठे हैं जो कर्म को बढ़ावा देते हैं, शनि की राशि है ये भी कर्म को बढ़ावा देते हैं, कर्म पे फोकस करिए, काम करिए, और काम से आप रिजल्ट लाएंगे, वर्क को कम नहीं करना है, मतलब मेहनत कम नहीं करना है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान मेहनत पे ही होगा और मेहनत से आप करेंगे भी काम, ये बहुत अच्छी बात होगी। वैसे भी भाग्य भाव में गुरु का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। गुरु की 2 राशि होती है 9 और 12, इनको ठीक राशि नहीं मिली है, हाँ, तो आपके लिए गुरु अच्छे नहीं है। अब गुरु अच्छे नहीं है लेकिन गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, गुरु किसी के बहुत बुरे नहीं होते, आपके लिए अच्छे नहीं है ऑब्वियसली, तो भाग्य भाव में बैठे हैं, बहुत बेटर रिजल्ट नहीं देंगे लेकिन रिजल्ट दे देते हैं, ठीक है। पहले घर की बात करें, 2 नंबर लिखा है जो कि शुक्र की राशि है, ठीक है, और यहाँ शनि देख रहे हैं, उसके अलावा कोई देख रहा है क्या, गुरु देख रहे हैं पांचवी दृष्टि, उसके अलावा नहीं देख रहा कोई, ठीक है, ओके। तो देखिए शनि की दृष्टि की वजह से हमने आपको बताया है, शनि की दृष्टि की वजह से आप गलत बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, पहली चीज़ फिजिक में जो चेंजेस है वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। और 2 नंबर की वजह से आप हेल्दी दिखोगे, जल्दी वेट गेन कर लोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। गुरु की दृष्टि से आपको धार्मिक बना के रखेगा, और गुरु का ये पोजीशन एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बनाता है, ठीक है, गुरु का ये सारा पोजीशन अच्छा होता है एस्ट्रोलॉजी के लिए, ठीक है, ये सारी जगह से ये एस्ट्रोलॉजी में लेके आपको जाते हैं और धार्मिक बनाते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से आप बहुत कुछ कर लो भी लोगे। अगर हम दूसरे घर की बात करें तो यहाँ पर 3 नंबर यहाँ मिथुन राशि है, ठीक है। अब हम चेक कर लें यहाँ कोई देख रहा है क्या, तो वहाँ पर किसी की दृष्टि है नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसी घर में राहु शनि भी है और राहु भी है और गुरु भी हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ बुरा ये करवा देंगे आपसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, 3 नंबर लिखा हुआ है, परिवार वाले घर में 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर परिवार के घर में है और कोई प्लेनेट देख रहा है, बुध है ना वो, 3 नंबर यानी बुध, और कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इसका मतलब है आपका परिवार से कनेक्शन कोई बुराई नहीं दिखा रहा, अच्छा दिखा रहा, बुध का होना तो और अच्छा है, बचपना होता है तो ये ज़्यादातर इर्द गिर्द रहते हैं, फैमिली से कनेक्शन बना रहता है, उसको बहुत बुरा नहीं कहेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बट हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वाणी भाव की बात करें तो बहुत अच्छा है, बुध का वाणी भाव में होना बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है, संतुलित रखता है, सुनता भी है बोलता भी है, बुध का यहाँ होना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फिर इसी घर से देखते हैं, परिवार देख लिया, वाड़ी देख लिया और धन भाव देख, धन का देखते हैं, तो धन के लिए भी आपके बुध अच्छे हैं, ठीक है, धन के लिए भी बुध अच्छे हैं, बुध का ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे बहुत ख़राब है, सामान्य है, बट इस घर के लिए अच्छे हैं क्योंकि खुद बुध का ही है, तो आप पैसा भी बचाओगे लाइफ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे घर में आते हैं,
बुद्ध का एक प्रवृत्ति है पैसा बचाने के लिए, वो छोटे छोटे अमाउंट से बचाता है, ठीक है। चलिए तीसरे घर में आते हैं। तीसरे घर में चार नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, चार नंबर लिखा हुआ है और इसको हम लोग प्रेवरी से चेक करते हैं, लेकिन चंद्रमा की राशि आपको ब्रेव नहीं बनने देती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये महसूस करोगे कि आप ब्रेव नहीं है, ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ओके। हालांकि यहाँ पे जिद्दी होना आपका बहुत दिखा रहा है, जिद्दी और सडन गुस्सा आना आपकी एक प्रवृत्ति होगी, बट आप ब्रेव नहीं है इस सूर्य चंद्रमा की वजह से, ठीक है। उसके अलावा फिर आप आते हैं, वहाँ से ब्रेवरी देख लिए, आपके छोटे बहन के बारे में भी देख लिए, ठीक है। अच्छा, इसी जगह को और एक बार देख लेते हैं, कोई और भी देख रहा था क्या? तो जी देखिए, ये दोनों देख रहे हैं ना, और केतु भी देख रहे हैं, और कोई तो नहीं देख रहा? नहीं देख रहा। चलिए अब देखिए, जो पहले हमने बताया चार नंबर की वजह से आप ब्रेव नहीं है, फिर केतु की देखने की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी दे रहे हैं ये, ठीक है, कॉन्फिडेंस में कमी करवा रहे हैं, ठीक है, और डर बना रहे हैं वो, ठीक है। गुरु के देखने की वजह से और बुद्ध की देखने की वजह से एक जो पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी आपको, गुरु भी ब्रेवरी के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है, लेकिन एक जो चीज़ें आपको ब्रेव अच्छी देखने के मिलेगी कि आपके सिबलिंग्स के साथ आपका व्यवहार ठीक करने में पूरा का सहयोग देंगे गुरु, ठीक है, ये एक अच्छा यहाँ पर सहयोग मिलेगा, ओके। ये बहुत अच्छा हो गया गुरु और बुद्ध की वजह से, तार्किक ज्ञान भी देते हैं जब गुरु और बुद्ध साथ होते हैं तो, ठीक है। ऑलरेडी आपका ज्ञान में ही ये लोग हैं, शनि केतु भी साथ में है, तार्किक ज्ञान दिखा रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी में बैठे हैं, तो ज्ञान के मामले में आपका सही जा रहा है, ठीक है। मम्मी के घर की बात करें या प्रॉपर्टी के घर की बात करें तो चंद्रमा ये ठीक होता है आपकी रिश्तों के लिए, मम्मी से आपका रिश्ता अच्छा दिखा रहा है। अब इसकी बात करें कौन इसको देख रहे हैं, तो सूर्य देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं, और कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा ना ऐसा, ठीक है। सूर्य का देखना थोड़ा सा ख़राब करता है मम्मी में आपके गुस्सा दिखा रहा, ठीक है। चंद्रमा का होना यहाँ पे बेटर है, गुड लुकिंग उनको बनाएगा। शुक्र का देखना भी बहुत बेटर है, गुड लुकिंग उनको बनाएगा आंटी को, ठीक है। फिर सूर्य का देखना, सूर्य की राशि गुस्सा दिखा ही रहा है कि गुस्सा है इनके में, ठीक है। ओवरऑल रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा जा रहा है इस घर से, ठीक है। बात करें अगर प्रॉपर्टी की, तो शुक्र का देखना सूर्य का देखना ये प्रॉपर्टी के लहर से बहुत सही है, ठीक है। शुक्र यानी गाड़ी दे देते हैं आपको, ठीक है, एक गाड़ी आप जल्दी ले लोगे, आप लोग यहाँ ले चुके होंगे, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ दे देता है। सूर्य का कंडीशन भी अच्छा दिखा रहा है आपके चार्ट में, ठीक है। ये जगह बहुत अच्छी होती है सूर्य की, प्लस ये जगह सूर्य खुद की राशि को और मजबूत कर रहा है, तो सूर्य कंडीशन अच्छा बन रहा है। गुरु भाग्य भाव में जाके बैठे हैं, गुरु की डिग्री कितनी है? 13, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, वैसे तो सूर्य है ही अपनी जगह पे, अच्छी जगह पे, तो ये टाइम टेबल अच्छा बनवाएंगे आपसे, अच्छी तरीके से फॉलो बढ़िया से करिएगा टाइम टेबल। टाइम लेगा जॉब देने में, हमेशा ही टाइम आता है गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको मेहनत के बाद ही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि शनि आके बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, ठीक है, ओके। यहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए अब आते हैं पाँचवें घर में मंगल है, राहु बैठे हैं, ये क्या है? प्यार का घर है, धोखा मिल जाएगा आपको। राहु वो भी वक्र, वो तो हमेशा रहता है, मंगल वक्री हुए हैं, यानी वो यहाँ से भी देंगे, यानी आप घर भी बना लोगे या घर होगा आपके पास ऑलरेडी, ठीक है। इस घर की बात करें अगर, तो मंगल है, राहु है, शनि देख रहे हैं, ठीक है, केतु के साथ। तो देखिए इस केस में क्या होता है, एक तो आपकी जल्दी रिश्तों, ये देखा, एक चीज़ याद रखिए कि मंगल जिसके साथ, राहु जिसके साथ रहते हैं उसको आपसे थोड़ा दूर रखते हैं, इन द सेंस कि आपके घर वाले आपको स्पेस देते हैं, ठीक है, स्पेस देते हैं, क्यों? क्योंकि आप मंगल राहु वाले हो, तो जल्दी झगड़े जाते होंगे, इसलिए वो थोड़ा स्पेस देते होंगे। तो ये क्या कर रहा है राहु, जो है मंगल को आपसे दूर कर रहा है। मंगल होते हैं रिश्ते, ठीक है, फैमिली रिश्ते, उनको थोड़ा दूर करता है, ठीक है। बुरा नहीं है, बुरे तरीके से नहीं कहोगे आप इसको, बट क्योंकि आपका और सब चार्ट में और सब चीज़ें बहुत बुरी नहीं दिखा रही, बहुत अच्छा है, तो इस वजह से इसको पॉजिटिव लेंगे। अब इस घर में राहु का बैठने का मतलब है आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो बीच में रुकती है, ठीक है। क्लास 3 से लेके आप 12th तक में देखोगे तो कोई चीज़ 2 बार पढ़े होंगे, ठीक है, या तो आपके 12th के जस्ट बाद आपका गैप बनेगा इंटर, हाँ इंटर के बाद ग्रेजुएशन में, या कोई क्लास 2 बार पढ़ेंगे आप, ये चीज़ यहाँ पे से निकाल के ला रही है। अब मंगल और राहु के होने की वजह से क्या है, प्लस शनि के होने की वजह से क्या है कि आपको धोखा मिलेगा प्यार में,
और एक और चीज़ क्या हो गई कि आप देखोगे कि आपको अपोजिट मतलब आपके कास्ट से हटके चीज़ें ज़्यादा आपकी लाइफ में आती हैं, आपका जो भी कास्ट है उसके कास्ट से हटके लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा आएंगे, ठीक है। वो किसकी वजह से होंगे, सनी की वजह से। लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको ना प्यार से मन हट जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, फिर आते हैं छठे घर में। छठे घर में और आप अपने थोड़े अपने बच्चों से भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना मिल सकता है, पहले बच्चे में डिले हो सकता है, ठीक है। आइए दोस्त अब इस घर को देखते हैं। ये आपके जॉब का घर है, जॉब घर में शुक्र बैठे हैं, शुक्र प्रधान सारा कार्य आप कर सकते हैं। अब देखिए शुक्र जाके सूर्य के साथ बैठे तो गवर्नमेंट जॉब देने की कोशिश, तो ये भी कह रहे हैं कि करिए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। उसके अलावा आपके प्लेनेट के आपके चार्ट के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे निगेटिव जो भी हो, अच्छा या बुरा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे पावरफुल पार्ट जो होती है वो हेल्प करती है आपको आपकी कैरियर डिसाइड करने में, ठीक है। तो देखिए शुक्र आपके ठीक ऐसे कह लीजिए लग्नेश है, ठीक है, और लग्नेश ही कह रहे हैं हम, ये लग्न हो गया, ये इनके दोस्त हो गए और ये जॉब हो गया, तो लग्न के स्वामी का कनेक्शन देखा जाता है इन दोनों घर से। तो किससे ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है, आपके जॉब घर से, और जॉब घर के मालिक आके कहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बिजनेस भाव में, यानी आप ऐसा जॉब लोगे जो इन फ्यूचर आपको एक बिजनेस भी खड़ा करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए और एकदम मन लगा के करिए, आप गवर्नमेंट जॉब निकाल लोगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिक्कत फेस होगा क्योंकि शनि बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, तो जल्दी रिजल्ट नहीं देते हैं ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे। आप इसी घर में हम और देख लेंगे, कोई और तो देख नहीं रहा ना, नहीं देख रहा, गुड गुड। चलिए तो इस घर में आते हैं, ये घर में आठ नंबर लिखा है, यानी आपके हस्बैंड के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है आठ नंबर, कि वो गुस्सैल होगा, ठीक है, सडन गुस्सा आ जाता होगा उसको भी, ठीक है, और लेस रोमांटिक होते हैं ये लोग आठ नंबर वाले, जहाँ आप रोमांटिक हैं वहाँ ये लेस रोमांटिक है। शुक्र ऐश्वर्य का कामना करने वाला होता है, ये कंजूस होता है, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी देख लें कि क्या यहाँ कोई देख रहा है, तो जी हाँ केतु देख रहे हैं, ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि केतु मानसिक टेंशन देते हैं मैरिड लाइफ में, और शुक्र ऑलरेडी आपका पीड़ित है, ठीक है। फिर मैं ये इसके स्वामी कहाँ आ गए, लव हाउस में आके बैठे हुए हैं, लव मैरिज के चांसेस बना रहा, ठीक है। तो थोड़ा लव मैरिज होगा लेकिन आफ्टर मैरिज आपको ये फील होगा कि थोड़ा सा मानसिक टेंशन चल रहा है, वो हर लव मैरिज में चलता है, हमने देखा है लव मैरिज सक्सेस नहीं रहते आजकल, बट इट्स ओके, अरेंज मैरिज तो खोजने में हालत ख़राब हो जा रही, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ आप देख लेंगे, फिर इस घर के बारे में बात करते हैं। अगर आपके मैरिड लाइफ के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखना है तो आपको दिखा देते हैं नौमास से। नौमास से आप चेक क्या कर लेंगे, नौमास से चेक करके आप देखेंगे कि पहले घर में चंद्रमा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरे चौथे घर में हम चेक करेंगे कि यहाँ कौन देख रहा है, शुक्र स्वगृही हो गए हैं, बहुत अच्छी बात। इस घर में कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है इसको देख लें, दो दो चार एक पांच गुरु देख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस केवल गुरु देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और इससे आपको बता रहा है कि आप मैरिड लाइफ को चला ले जाओगे, ठीक है। समझदारी से काम लीजिएगा, मैरिड लाइफ चलेगी। तो अब हम आते हैं फिर से आपके लगन में, ठीक है। लगन में आते हैं, इस घर के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। थोड़ा टेंशन है केतु की वजह से, मानसिक टेंशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको आप लेकिन हैंडल करेंगे और कर भी लेंगे, हमें तक लग भी रहा है। फिर इस घर की बात करते हैं, इस घर में अगर बात करें तो मंगल देख रहे हैं चौथी दृष्टि, ठीक है। उसके अलावा कौन देख रहा है, शनि देख रहे हैं, ठीक है, मंगल शनि दोनों ही देख रहे हैं। चलिए
इस घर से मंगल शनि दोनों का रिजल्ट लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस घर से हम लोग क्या देखते हैं, सडन गेन, फिर उसके बाद से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, है ना, यहीं से देखते हैं सडन गेन, सडन लॉस, बड़ी प्रॉब्लम, एस्ट्रोलॉजी, ये भी यहीं से देखते हैं इन दोनों घर से, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में आपको समझ तो दिखाई रही है, क्योंकि एक तो गुरु बुद्ध के साथ बैठे हैं, तार्किक समझ दिखाता ही है, बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पे इसका होना गुरु का, ठीक है। चलिए अब मंगल और शनि का यहाँ पे हम लोग इफ़ेक्ट देखेंगे कि यहाँ क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो सबसे पहले ये घर है सडन गेन सडन लॉस का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक आपको प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो सकती है, देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरा, आपको लो ब्लड प्रेशर होने की चांसेस भी बनाता है, ठीक है, खून की कमी होने का, या लो ब्लड प्रेशर का या हाई ब्लड प्रेशर का भी हो सकता है, ठीक है। चांसेस लो ब्लड प्रेशर के ज़्यादा हैं, ठीक है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ये गुरु दे रहे हैं आपको, ठीक है। और एक और चीज़ है, जब मंगल ऐसे देखते हैं और शनि देखते हैं तो पीरियड्स में कहीं ना कहीं दिक्कत ये दे देते हैं, ठीक है। अगर बात करें इस घर की, तो ये हो गया आपके सातवां, आठवां, नौवां घर हो गया ना, भाग्य घर हो गया। भाग्य घर में हमने बताया था गुरु बहुत अच्छे होते हैं, गाइड करते हैं, जैसे किसी न किसी वजह, जैसे आप हमसे मिल गए तो गुरु कुछ ना कुछ आपके भाग्य में ऐसा करेंगे जो आपको गाइड कर देगा कि अब आपको क्या करना है, कैसे निकलना है आगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अब आपके चार्ट का पावरफुल पॉइंट जो होते हैं ये आप सब लोग जानते हो, ये तीन नंबर जो होते हैं इनके लॉर्ड आपके लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो दो नंबर को जब जब स्ट्रॉन्ग करेंगे वो टोटल कुंडली पे काम करता है, स्पेशली आपकी हेल्थ पे, ठीक है। तो दो नंबर को यानी शुक्र को हम लोग को कैसे भी अच्छा करना रहता है, ठीक है, हमेशा हर किसी की चार्ट के लिए बता रहे हैं। फिर ऐसी छः नंबर यानी बुध को आपको ठीक करना होगा, लाइफ में प्यार बना रहेगा सबका, ठीक है। मतलब प्यार इनडायरेक्टली आपकी खुशियाँ होती हैं, आपके सुकून होते हैं, है ना। तो आपको बुध ठीक करना है, शनि को ठीक करेंगे तो आपका फ्यूचर बेटर होगा, ठीक है। प्रेजेंट में सारी खुशियाँ, ये आप हैं, आपकी खुशियाँ हैं, आपका भाग्य है, ठीक है। तो इन सबको ठीक करने के लिए आपको ये हो गए लक्ष्मी जी, ये हो गई गणेश जी, लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, और शनि जी के लिए आप हनुमान जी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मंगलवार के लिए मतलब पूरे टाइम पढ़ाई कर, मंगल भी देख लीजिए अगर आपके ज़्यादा खतरनाक हैं आपके, एक यहाँ है और ये आके इसमें बैठे, मतलब खतरनाक इन द सेंस इसकी पूजा की जा सकती है। तो हनुमान चालीसा पढ़िए, शनि की पूजा कीजिए, ठीक है, यहाँ से बीज मंत्र पढ़िए, ये सारी चीज़ें आपके लिए अब पॉजिटिव हो गई हैं, ओके। गवर्नमेंट जॉब के अच्छे चांस हैं, गवर्नमेंट जॉब पे जाइए, या शुक्र से रिलेटेड जॉब कर लीजिए, शुक्र से रिलेटेड, ठीक है, या शुक्र से रिलेटेड व्यवसाय कर लीजिए, दोनों चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगे। अब शुक्र के रिलेटेड जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे आपके कपड़े से रिलेटेड, खाना पीना बने बनाए खाने से रिलेटेड, ठीक है, परफ्यूम से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ठीक है, इंटीरियर से रिलेटेड, इतनी जितनी सारी चीज़ें हैं ना, ये शुक्र जो कि खूबसूरती प्रधान होता है, ठीक है, खूबसूरती हुआ, सेक्स हुआ, फिर आपका ब्यूटी तो बता ही दिया हमने, शुक्र के जितने कैरेक्टर हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगे और आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब इस घर के बारे में हम बता रहे थे, तो इस घर के बारे में हमने देखा कि शुक्र है और सूर्य है, ठीक है, और ये घर क्या है, कर्म का घर है। कर्म के घर में कहीं ना कहीं लगन का आके बैठ जाना बहुत बेटर होता है, ये एक तरीके से राजयोग दिला सकते हैं, क्योंकि आप कर्म करके लेते हैं वो कन्फर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ और सूर्य भी बैठा है, तो आप तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब की तो बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा सा धैर्य रख के तैयारी करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, छोटे स्टेप्स में लेके आगे बढ़ जाए तो भी कर देगा, या आप बिजनेस चालू कर दीजिए, बिजनेस में भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि आप दौड़ोगे भागोगे और करोगे ही करोगे, ठीक है। ये पिता के बारे में बताया, पिता के घर में सूर्य का होना अच्छा, ठीक है, माता के घर में चंद्रमा का होना, आपके दोनों ही अपने अपने घर में हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, ठीक है। लेकिन साउथ साइड में अगर सूर्य हो तो थोड़ा पिता को इशू क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमको बताएंगे कि पिता का अभी क्या हाल चाल है, क्या नहीं है, ठीक है। पिता को शुगर होने के भी चांसेस होते हैं इस केस में, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुगर और हार्ट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें यहाँ से देख ली जाती हैं, ठीक है, थोड़ा हमको बताएंगे आप अभी पापा का क्या सीन है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ग्यारहवें घर में जाते हैं, ग्यारहवें घर में शनि और केतु है, ठीक है।
शनि और केतु है जो हमने आपको बताया। थोड़ा सा ये आपको कहीं ना कहीं आप ये पूरा इजीली फील कर सकते हो कि आप सैड बहुत जल्दी होते हो, दुखी हो जाते हो, छोटी छोटी बात को गलत मान बुरा मान लेते हो, जो आपको बाद में भी रियलाइज़ हो जाएगा ना कि इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं थी, लोग कैसे कर ले रही हैं, है ना। और ये क्योंकि आपके सोशल लाइफ में है तो सोशली थोड़ा सा आपको दिक्कत फील करवाएगा, एक बार एक लंबे टाइम के लिए इंटरप्ट कर देगा, मतलब आपको डिस्कनेक्ट कर देगा सोसाइटी से, ठीक है। ये आप एक चीज़ फील करोगे और हो सकता है कि वो आपका इंटर के बाद का टाइम ही हो, ठीक है। अब फिर आते हैं आपके 12वें घर में, ठीक है। 12वें घर में एक नंबर लिखा है जो मंगल की राशि है, ठीक है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका कनेक्शन ऑलरेडी दिखा रहा है, ये भी एक तरीके से रोमांस का होता है, आपको बताया था हमने बैड पेज सेक्स इसके लिए है ये, तो उसका कनेक्शन भी बन रहा है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बेटर है, अपने जीवन साथी के साथ है, अच्छी बात है, ठीक है। और फिर इस घर से हम देखेंगे आपका छुपा हुआ नॉलेज अंदर का, जिसको हम लोग फिलोसफिकल नॉलेज कह देते हैं, या संन्यास का कारक माना गया है इस घर को, ठीक है। यहाँ देख लेंगे कि कोई प्लेनेट देख रहे हैं क्या, किसी की दृष्टि है क्या, मंगल है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका शनि भी आपको देख रहा है, शनि केतु भी साथ में है, फिर मंगल की जो सेपरेटिव टेंडेंसी कारक है वो भी यहाँ देख रहे हैं खुद की राशि में, तो आपको मन में विरक्ति का भाव जल्दी आ जाता होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ से थोड़ा सा बचेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपका जो हर किसी का पहला काम मेरी मतलब एक शादीशुदा ज़िंदगी को सही तरीके से चलाना ही होता है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा भले ही प्रॉब्लम हो लेकिन कोई इशू की बात नहीं है, सब ठीक है। हाँ, आपने हमसे बोला था कि आपको शादी का भी पूछना था, ठीक ना। तो मंगल को देखते हैं, ठीक है। मंगल का होना आपके चार्ट में आपके लिए, हम इसलिए बता रहे हैं, आप सीखो और हमेशा इस चीज़ को चेक करो हर किसी के चार्ट में, ठीक है। तो मंगल आपके कारक हो जाएंगे शादी के, ठीक है। अब हम कैसे इसको चेक करेंगे कि जब मंगल के यहाँ से आ जाएंगे ग्रह स्थिति सब, अब यहाँ आप देखेंगे मंगल, मंगल के नक्षत्र स्वामी देख लेंगे चंद्रमा, यानी चंद्रमा भी आपके लिए हेल्पफुल हो गया अब, ठीक है। तो मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है, मंगल हो गए और चंद्रमा हो गए। अब आइए फिर से अपने लग्न में, अब देखिएगा कि गोचर में अभी गुरु यहाँ है, चलिए गोचर भी देख लेते हैं, गोचर में आ गए, ठीक है। और आपकी दशा भी एक बार देख लेते हैं, पता चले कि शादी वाले में से कोई अच्छे प्लेनेट की दशा चल रही हो, पारंपरिक में आ गए, दशा में आ गए, ठीक है। यहाँ आ गया सूर्य की दशा चल रही है, ठीक है, फिर चंद्रमा की दशा आएगी, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की दशा में हम अभी को देख ले हैं तो शनि चल रहा, फिर बुध चलेगा, चलिए शनि भी आपके हाँ ठीक है कारक में से है। अब देखिए शनि की पोजीशन देख लीजिए, शनि सोशल घर में है, इस घर में आपके मंगल है, मंगल है, ठीक है, शुक्र है, हमको स्पेशली गुरु देखना होता है, ठीक है, गुरु शुक्र। तो आइए अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे गोचर में, ठीक है। गोचर में आने के बाद हम चेक करेंगे, गुरु जो है अक्टूबर में फ्री हो जाएंगे यहाँ से, फिर ये आएंगे जब नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर यहाँ आ जाएंगे, शादी के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे आपकी, बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे कि आपकी शादी हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग किसका देख रहे थे, चंद्रमा आ जा रहे थे ना, वो फिर से अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में गुरु यहाँ आ गए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मंगल का गोचर जो कि अभी यहाँ है, दो दो महीने इसके जोड़ते चलते हैं, दो दो चार, पाँच छः, सात आठ, नौ दस, ठीक है। तो ये यहाँ आएंगे जिस साल में, उस साल में मंगल का या यहाँ हो जाना, यहाँ हो जाना, ठीक है, और फिर या यहाँ हो जाना, मंगल का यहाँ हो जाना आपको शादी करवा देगा, ठीक है, शादी करवा देगा, ओके।
अगर सूर्य आपके यहाँ आ जा रहे हैं या यहाँ आ जा रहे हैं तो और अच्छी बात है, तो कंफर्म उसी महीने हो जाएगा। ठीक है, तीन चीज़ें हैं गोचर में चेक करेंगे। एक तो नेक्स्ट ईयर दिखा दिया, फिर देख लेंगे कि मंगल कब गोचर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में कन्या में, ठीक है, वृश्चिक में। फिर यहाँ आ जाएंगे 11 नंबर और 2 नंबर शुक्र वाले में घर में, इन जगहों में जब जब गोचर करेंगे वो टाइम देख लेंगे, देख लीजिएगा आपके उसी बीच आपकी शादी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, गुरु का हम लोग का इस घर में आ जाना ज़रूरी होता है शादी के लिए, ठीक है, गोचर के हिसाब से। चलिए ये आपके समझने के लिए बहुत है, क्योंकि आप आपके गुरु और चंद्रमा, गुरु और बुध साथ में हैं, ठीक है, ये आपको समझ अच्छा दे देता है। ठीक है, और हमारे ख्याल से आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करनी चाहिए, और अभी से शुभकामनाएं, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब निकालोगे। ठीक है, थोड़ा इसको भी कंट्रोल कर लीजिए, इसको कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि बहुत आप चेक कर लोगे, लिखिएगा राहु मंगल युति गूगल पे, कहीं लिख लीजिए या जहाँ से आप किसी से पूछ सकते हैं तो ऐसे गूगल सर्च करिए, आपको दिख जाएगा ये ख़तरनाक होता है। ठीक है, क्या करता है ये अंगकारक, मतलब काफ़ी सडन बहुत बड़ी बड़ा गुस्सा दे देता है, जिद बना देता है बहुत। ठीक है, शनि केतु क्या करते हैं, दुखी कर देता है, सन्यासी बना देता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ओके, बाकी आपका प्लेनेट सारे पोजीशन ठीक, सब कुछ बढ़िया, एक अच्छा पर्सनालिटी, एक अच्छे जॉब लेने की पूरी चांसेस, अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं, कोशिश करिए और लीजिए जल्दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हेल्प जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।